हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अमरनाथ जायसवाल। मैं आज आपको पॉलिसी कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरी पॉलिसी में पूरे सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन की का ये मेन टॉपिक है पॉलिसी कंपोनेंट। क्योंकि जो भी पॉलिसी आप लगाते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफाइन करनी पड़ती होती है, कुछ कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ती है, या कुछ किस पे आप रूल अप्लाई करना चाहते हैं या इस तरह के, तो वो पॉलिसी पे कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है। अब हम आप ऑलरेडी या तो पॉलिसी कोई भी पॉलिसी क्रिएट करते वक्त या हम कंपोनेंट को डिफाइन करें या हम पहले प्री डिफाइंड कंपोनेंट को डिफाइन कर सकें, तो एक हम प्री डिफाइंड यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं कंपोनेंट, उसके अलावा और भी कंपोनेंट्स आप बना सकते हैं, जैसे शेड्यूल स्कैन टेम्पलेट। तो यहाँ पे एक तीन प्री डिफाइंड स्कैन टेम्पलेट बने हुए हैं, डेली शेड्यूल स्कैन विंडोज के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए। आप एक और भी एक्स्ट्रा एक्टिव स्कैन बना सकते हैं, जैसे शेड्यूल स्कैन टाइमिंग सेट कर दीजिए 13:30 और एक्टिव स्कैन ऑल फाइल्स शेड्यूल 13:30 डेली ड्यूरेशन स्कैन अंटिल फिनिश रिकमेंडेशन एक्शन, जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है ठीक है, अगर इसके अलावा अगर कोई चीज़ थ्रेट्स वगैरह मिलते हैं तो आप उसमें मालवेयर एडवेयर कुकीज या सिक्योरिटी रिस्क पे अलग अलग आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन एक डिस्प्ले तो होता रहे जो भी इवेंट्स वगैरह या उसके थ्रेड्स वगैरह मिलते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो एक टेम्पलेट मैंने बना दिया एक्टिव स्कैन के नाम से, शेड्यूल स्कैन एक्टिव स्कैन, इसका नाम दे देते हैं शेड्यूल स्कैन शेड्यूल एक्टिव स्कैन। यस, शेड्यूल स्कैन एक्टिव स्कैन। अब इसको अगर लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट आप क्लाइंट्स में जाके उस पर्टिकुलर ग्रुप में पे ये पॉलिसी आप एक्टिव स्कैन पॉलिसी भी डिफाइन लगा सकते हैं। तो ये तो या तो ऑलरेडी हम बना रखे हो टेम्पलेट्स, या वहाँ पे आप नया आप क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट सर्वर लिस्ट, मैनेजमेंट सर्वर लिस्ट जो लाइव अपडेट सर्वर होता है कि जहाँ से क्लाइंट्स क्लाइंट एंटीवायरस जो है आपके सर्वर से डिफिनेशन अपडेट करेगा, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होता है आपका जो मैनेजमेंट सर्वर ही होता है क्लाइंट वो सर्वर होता है। इसके अलावा भी अगर कुछ और भी सिमेंटिक के एडिशनल सर्वर भी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका जो इस सर्वर की आईपी है ये मैनेजमेंट सर्वर की ये लिस्टेड है यहाँ पे, तो ये आपका ऑलरेडी एडेड है। और इसके अलावा और भी कोई अगर है तो आप यहाँ पे एक अलग क्रिएट कर सकते हैं मैनेजमेंट सर्वर की लिस्ट। उसी तरह ये फिंगरप्रिंट लिस्ट, जो भी फाइल होती है उसकी फिंगरप्रिंट की भी लगा निकाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी फाइल पे अगर कोई पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है उस फाइल की, तो यहाँ पे ऐड करके लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडोब फाइल या इस तरह का कुछ नेक्स्ट और क्रिएट द फाइल फिंगर इम्पोर्टिंग ए फाइल फिंगर, आपको मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल की या एक सी फाइल की किसी तरह की फाइल को फिंगरप्रिंट्स जानने के लिए कैसे करते हैं, उसके लिए एक टूल्स होती है, उस टूल्स की हेल्प से आप फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। तो उस फाइल से आप इसको उस फाइल को इम्पोर्ट कर देंगे तो ये आपकी फाइल फिंगरप्रिंट की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। होस्ट ग्रुप आते हैं, होस्ट ग्रुप भी ये होता है कि आप अलग अलग होस्ट ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, लोकल लैन सबनेट
ये हर्ष ग्रुप एक क्रिएट हो गया, एक और भी हर्ष ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं डोमेन, तो इस तरह के होस्ट ग्रुप भी आप क्रिएट करते हैं जिसमें आपको आपको पॉलिसी लगाते वक्त आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये रहा होस्ट ग्रुप। इसी तरह नेटवर्क सर्विसेज की लिस्टिंग कर सकते हैं किस तरह के, जैसे इसमें ऑलरेडी बहुत से नेटवर्क सर्विसेज की लिस्टिंग किया हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ और भी ऐसी सर्विसेज होती है जो कि इसमें लिस्टेड नहीं है, तो आप और भी नेटवर्क सर्विसेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनके प्रोटोकॉल, उनके पोर्ट नंबर, उनकी बिहेवियर, इस तरह के TCP UDP इस तरह को आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसी तरह नेटवर्क अडाप्टर, इसमें जैसे दिया ऑल अडाप्टर्स, AnyVPN, डायल अप, इथरनेट, वायरलेस, ठीक, इस तरह की ये ऑलरेडी लिस्टेड है। और भी है, जैसे अगर आपको कुछ नया, अगर कुछ इस तरह का नया अडाप्टर मिलता है जो कि इसमें लिस्टेड नहीं है, तो उनको भी आप लिस्ट कर सकते हैं यहाँ से, नेटवर्क एड नेटवर्क अडाप्टर करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसी तरह हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइस की डिवाइस आईडी, जैसे कभी कभी होता है कि जैसे आप किसी डिवाइस कंट्रोल कंट्रोल एप्लीकेशन है, डिवाइस कंट्रोल अप्लाई करते हैं, तो उसमें जब आता है डिवाइस कंट्रोल, डिवाइस कंट्रोल किसी पर्टिकुलर किसी डिवाइस को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आपको डिवाइस आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका जो है डिवाइस आईडी यहाँ लिस्टेड होनी चाहिए, तो वहाँ पे सेलेक्ट करना, जैसे आपने यहाँ पे देखा था एप्लीकेशन डिवाइस कंट्रोल में, तो यहाँ पे मैंने एक एडिट पॉलिसी डिवाइस कंट्रोल, ये देखिए, तो मैंने ये USP जैसे ऐड किया था, तो इस तरह की ये डिवाइस काफ़ी डिवाइस जो है लिस्टेड है, और तो वहाँ से मैंने उस डिवाइस साइट को सेलेक्ट करके ब्लॉक की कैटेगरी में डाल दिया, तो उस वजह से आप भी जितना हो सके डिवाइस आईडी अगर आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज हो रहे हैं और यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं कि इनको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से डिवाइस आईडी ऐड कर सकते हैं, डिवाइस नेम, क्लास आईडी, डिवाइस आईडी। अब आपको बताता हूँ कि ये आपको क्लास आईडी या डिवाइस आईडी कैसे मिलेगी, तो एक सिमेंटिक का एक टूल्स होता है, मैं एक उसकी हेल्प से आपको, यस, ये देखिए एक टूल्स है सिमेंटिक का, ये डेव वीवर, यानी कि डिवाइस वीवर, इसको रन करते हैं, यस। अब इस पीसी में या किसी भी क्लाइंट पीसी में ये रन कर दीजिए, वो जो नए तरह का डिवाइस है जो कि हमारे सिमेंटेक की लिस्ट में नहीं है, तो आप इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है कॉम्पोर्ट समथिंग, ये अब इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये आईडी, GUID और डिवाइस आईडी मिल जाएगी, आप इसको कॉपी, डिवाइस आईडी इसको आपने कॉपी कर दिया, आप कम्युनिकेशन पोर्ट, अब यहाँ पे आप सिमेंटिक में आ जाएं, ऐड हार्डवेयर आईडी, कम्युनिकेशन कॉम पोर्ट, ये नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे डिवाइस आईडी यहाँ पे दे दिए, ओके, तो आपका ये देखिए कॉम पोर्ट, ये डिवाइस आईडी ऐड हो गया। तो इस तरह के जो है आप डिवाइस आईडी को ऐड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ये डिवाइस कंट्रोल पॉलिसी लगाने के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो इसमें जितना से ज़्यादा पॉलिसी डिवाइस आईडी रहेगी या ऐसी भी आईडी है जो कि कोई भी डिवाइस कंट्रोल पॉलिसी अगर लगी हुई है किसी ग्रुप पे या किसी क्लाइंट कंप्यूटर पर, और वो डिवाइस आईडी आपका जो वो हार्डवेयर ब्लॉक की कटेगरी है, जबकि आपको आप इसको लोड करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह जो है डिवाइस आईडी से आप उससे पहले फाइंड आउट कर लीजिए, डिवाइस आईडी और GUID आईडी दोनों को आप निकाल लीजिए, निकाल के यहाँ पे उस आईडी को यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आप पॉलिसी में जाके एप्लीकेशन डिवाइस एंड कंट्रोल में
एडिट द पॉलिसी, डिवाइस कंट्रोल यहाँ पे है, डिवाइस एक्सक्लूड फ्रॉम। अब चाहे तो अगर वो ब्लॉक की कैटेगरी में है तो आप चाहते हैं कि उसको अनब्लॉक करने के लिए, तो यहाँ से आप कॉम पोर्ट ओके सेलेक्ट करके, अब ये डिवाइस अलाउ की लिस्ट में आ गया, या ब्लॉक के लिस्ट में डालना चाहें तो ब्लॉक की लिस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह आप हार्डवेयर डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस ओवरऑल देखा जाए तो जो पॉलिसी कंप्लेंट से बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपका मतलब काफ़ी यूजफुल होता है पॉलिसी लगाने वक्त। तो आप मुझको लगता है कि ये इसको अच्छे से आप एक्सरसाइज कर लीजिए और काफ़ी, तो आपको ये वीडियो सीरीज काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या कोई इस तरह का कोई इस पॉलिसी कंपोनेंट रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द आई टी सेशन लाइव।